When the enemies rise up against you, और दूसरी बात, जब शत्रु आपके विरुद्ध में चढ़कर आता है, they remove your splendor. वो आपके प्रताप को दूर कर देते हैं. They work hard to remove your honor, your splendor, your glory. वो बड़ी मेहनत करते हैं कि आपके आदर, आपके प्रताप, आपकी महिमा को दूर कर दें. When people love you, जब लोग आपसे प्रेम करते हैं, they strive hard to remove that love from their hearts by spreading scandals against you. और आपके विरुद्ध में वो तो किसी तरह से अफवाहें और कुछ ऐसी बातें कहकर उनके दिल से आपके बारे में प्रेम हटा देना चाहते हैं. Psalm 78 and verse 61. भजन संहिता 78 वचन 61 कहता है, He sent the ark of his might into captivity, his splendor into the hands of the enemy. और अपनी सामर्थ को बंधवाई में जाने दिया और अपनी शोभा को द्रोही के वश में कर दिया. Yes, the enemy tries to take over your splendor. हाँ, शत्रु जो है वो तो कोशिश करता है कि आपके प्रताप को ले ले. The head of a textile company, which is the largest group in India. एक textile company जो कि भारत देश में बहुत बड़ा group है. Just a few days ago, gave a statement in the press. उन्होंने बस कुछ ही दिनों पहले press में ये statement दिया. My son. मेरे बेटा. My beloved son. मेरा प्यारा बेटा. Whom I trusted. जिस पर मैंने भरोसा रखा. Whom I raised. जिसकी मैंने परवरिश की. Whom I supported. जिसकी मैंने मदद की. Whom I empowered. जिसको मैंने इतनी सामर्थ्य दी. And brought into the business. और उसे व्यापार में लेकर आया. Schemed against me. उसने मेरे विरुद्ध में युक्ति की. I was the chairman of the group. और मैं तो उस ग्रुप का चेयरमैन था. I was the head of the whole national company. और इस पूरे देश की जो कंपनी थी उसके ऊपर मैं हेड था. But he tricked me and threw me out of my position. और उसने मुझे युक्ति करके मेरे स्थान से निकाल दिया है. And he became the head, the chairman. और वो उस अभी कंपनी का चेयरमैन बन गया है. Today he tries to show the world that I have forgiven him. और आज वो दुनिया को ये दिखाना चाहते कि मैंने उन्हें क्षमा कर दिया है. He made me lose my splendor. उसके कारण मेरा प्रताप मैंने खो दिया. How can I forgive him? मैं कैसे उसे क्षमा कर सकता हूँ? How can I ever say with my mouth that everything is all right? और कैसे मैं अपने मुंह से ये कह सकता हूँ कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है? I will never do that. मैं इसे कभी नहीं करूँगा. My son, my own son, took away my splendor. मेरे बेटे ने, मेरे खुद के बेटे ने मेरे प्रताप को छीन लिया है. He has become my enemy. और वो मेरा शत्रु बन गया है. My friend. मेरे दोस्तों. That's what the enemies do. शत्रु यही तो करता है. Wherever you have been successful, they come and take away that success from you. जहाँ कहीं भी आप सफल होते हैं तो वो आते हैं और वो आपसे आपकी सफलता छीन लेते हैं. Some even do witchcraft to destroy the splendor which one has earned through hard work and labor. कुछ लोग तो जिन्होंने बड़ी मेहनत से और बड़ी कड़ी मेहनत से जो कुछ भी अच्छा आदर पाया है उसके विरुद्ध में जादू टोना करते. Some raise people to spread scandals. और कुछ लोग तो उनके विरुद्ध में अफवाह फैलाने के लिए लोगों को तैयार करते हैं. Jesus came to do good to the people. यीशु तो लोगों के साथ भलाई करने के लिए आए थे. Night and day he brought healing to the sick. और वो तो दिन रात बीमार लोगों को चंगाई देते थे. Fed the hungry. भूखे लोगों को भोजन देते थे. Cared for the poor. और जो कंगाल है उनकी देखभाल करते थे. Comforted millions. और लाखों लोगों को उसने तसल्ली दी. Raised even the dead and brought back families to life. और यहाँ तक कि उसने मुर्दों को जिलाया और परिवार को फिर से जोड़ दिया. But the jealous people. लेकिन जलन रखने वाले लोग. Worked hard to remove his splendor. उन्होंने बड़ी मेहनत की कि उसके प्रताप को दूर कर दे. Accused him. कि उस पर दोष लगा. Unjustly, अन्याय करके, crucified him on the cross. और उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया. Isaiah 53:2 says, यशायाह 53:2 ये कहता है, on the cross, क्रूस पर, he had no beauty, उसकी कोई सुंदरता नहीं थी, no majesty, कोई प्रताप नहीं था, to attract us to him, कोई रूप नहीं था कि हम उसकी ओर आकर्षित होते. All his appearance was removed, the splendor was removed, so that we would not desire him. और उसका जो प्रताप था, जो सब कुछ था देखने लायक, वो सब हटा दिया और हम उसकी चाह भी नहीं रखते थे. He was despised and rejected by man. और मनुष्य ने उसे तुच्छ जाना और उसे त्याग दिया. He became a man of suffering. वो दुखी पुरुष हो गया. Familiar with pain. रोग से उसकी जान पहचान. We hid our faces from him. और लोग उससे मुख फेर लेते थे. He was despised. वो तुच्छ जाना गया. And kept in low esteem. और हमने उसका मूल्य न जाना.
Jesus knows that agony. यीशु इस पीड़ा को जानते हैं. He knows that suffering. ये इस दुख को जानते हैं. He knows that pain. वो इस दर्द को जानते हैं. To have lost all the splendor. वो सारा प्रताप खो बैठे थे. He went through it on the cross. वो क्रूस पर इसमें से होकर गए. Why? क्यों? To restore you to health. ताकि आपको सेहत दे सके. In Jeremiah 30 and verse 17. यिर्मयाह 30 वचन 17 ये कहता है. The Lord says. प्रभु यहाँ पर कहते हैं. I will restore you to health. मैं तुझे सेहत दूंगा. And heal your wounds. मैं इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा. I will heal your wound. मैं तेरे घावों को चंगा करूंगा. Your physical wound. आपके शारीरिक घावों को. Wounds caused by witchcraft. और जादू टोने के कारण जो जख्म हुए उनको. The wounds caused by the wicked people. और दुष्ट लोगों के कारण जो घाव हुए उनको. The wounds caused by shame and dishonor because of false propaganda. और झूठे जो बातें अफवाहें फैलाई गई उसके कारण जो जख्म और शर्मिंदगी हुई है उनको. I will heal your wounds. मैं तुम्हारे घावों को चंगा दूंगा. I have taken your infirmity. मैंने तुम्हारे दुखों को उठा लिया है. I have borne your diseases. मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया है. Matthew 8:17. मत्ती 8:17 ये कहता है. He will say about you. ये आपके बारे में कहेंगे. And he will say, I love him. और वो कहेंगे मैं तुमसे प्रेम करता हूँ.